नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं गणेश और आप जुड़े हैं नैतिक आलोचक से। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 के चुनाव होने में बस 3 महीने से कम समय बचा है, और इसको देखते हुए आप ये देख सकते हैं कि जो इंडी गठबंधन है, या ये कहें जो विपक्ष के गठबंधन है, या ये कहें कि जो विपक्ष है, वो पानी मांग रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की 400 सीट पक्की दिख रही है जैसा वो कहते हैं। और मोदी सरकार की एक खासियत है, या नरेंद्र मोदी की एक खासियत है, कि वो जो कहते हैं वो करते भी हैं। अगर उन्होंने बोला है कि 400 सीट आएगी, तो ये मान के चलिए कि 400 सीट आनी ही आनी है, उससे ज्यादा ही आ जाएगी, कम नहीं आएगी। ऐसा मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं उनकी बड़ाई कर रहा, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने 10 सालों में काम किया है, वो काम प्रत्येक आदमी को दिखा है। हर घर में कोई ना कोई सुविधा पहुंच रही है, और वो सुविधा पहुंच रही है इसलिए लोग उनको वोट भी देंगे। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि इंडी गठबंधन बना और बिखर गया। उसके बाद राहुल गांधी एक यात्रा शुरू करते, भारत न्याय यात्रा, लेकिन उस यात्रा क्या होता है, वो यात्रा भी वो आधे में छोड़ देते हैं और उसको भी कंप्लीट नहीं करते। तो आप खुद सोचिए, जो आदमी अपने कहे को पूरा नहीं करता है, जो आदमी एक चीज को पकड़ के नहीं चलता है, आखिर उससे हम क्या उम्मीद करें कि वो ऐसा कुछ करेगा जो पब्लिक के हित में हो। वो किसानों के साथ देते हैं, वो भी वो किसान जो खालिस्तानी समर्थन है, जो खालिस्तानी समर्थक है, और जो देश को तोड़ने की बात करते हैं। सबने देखा है कि किसानों के आंदोलन के पीछे क्या चल रहा है, वो किसी बात पे तैयार नहीं हो रहे, और ना ही देश का किसान उनके साथ नहीं है। पंजाब के कुछ किसान पूरे देश के किसानों को फैसला नहीं कर सकते, या कांग्रेस शासित जो भी राज्य हैं, आप देख लीजिए पूरे 10 सालों में आपने देखा होगा जो भी देश विरोधी गतिविधि है, इंडी गठबंधन और कांग्रेस सदैव उसके साथ रहे, हमेशा उनके साथ रहे। उन्होंने देश के सेंटिमेंट को एक किनारे फेंक दिया है, वो सिर्फ काम कर रहे हैं अपनी राजनीति को बचाने के लिए, पर मुझे नहीं लगता कि वो इस बार अपनी राजनीति को बचा पाएंगे। और देखने वाली बात ये होगी कि इंडी गठबंधन का कोई भविष्य तो नहीं है, पर ये भविष्य में क्या करेंगे। ये जितने भी विपक्षी गठबंधन है, ये केंद्र के खिलाफ तो एक हो जाते हैं, पर जब कोई मुद्दा ऐसा आता है जो देश के लिए होता है, तो ये साथ नहीं आते। जब इनको सीटों का आपस में बंटवारा करना होता है, तब ये साथ नहीं आते। ये केवल अपने लाभ के लिए एक होते हैं, और जैसे ही इनका लाभ पूरा हो जाता है, या इनको अपनी सत्ता में कोई खतरा दिखाई देता है, तो ये अलग हो जाते हैं। ये देश को केवल ठगने का काम कर रहे हैं। सभी देशवासियों से अपील है कि आने वाले 2024 के इलेक्शन में उनको उनकी जगह दिखा दें, और उस जनप्रतिनिधि को चुने जो आपके क्षेत्र के लिए, आपके राज्य के लिए, आपके देश के लिए काम करे, ना कि करप्शन से भरा हो। ये लोग किसी भी तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार को कमजोर तो नहीं कर सकते, और ना ही इनमें वो सामर्थ्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मोदी गवर्नमेंट इस बार 400 से ज्यादा सीटें पाएगी, और पाए भी क्यों ना, उसने काम किया है, उसने देश को हर तरीके से मजबूत किया है। आज देश के हर व्यक्ति गर्व से बाहर घूम सकता है, और जो देश की इकोनॉमी 5वें नंबर पर है, वो अब 3रे नंबर पर पहुंच जाएगी। अगर कांग्रेस होती तो हम कर्जे से लदे होते, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा होता। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके व्यू तो आ रहे हैं, पर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। वंदे मातरम, जय हिंद।